नमस्कार दोस्तों, सीएमएलसी जीएस क्लास में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको आईसीसी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल से संबंधित जितने भी जीके जीएस प्रश्न बनते हैं जो एसएससी रेलवे एग्जाम में महत्वपूर्ण है, वो सभी प्रश्न को बताऊंगा। आप लोग इस वीडियो में पूरे अच्छे से समझने की कोशिश कीजिए, ठीक है। आईसीसी का फुल फॉर्म डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है, आईसीसी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल होता है, याद रखिएगा, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट पूछेगा कि आईसीसी की स्थापना कब हुई, तो 15 जून 1909 को हुई। तो आईसीसी की स्थापना कब हुई? 1909 में, नजर रखिएगा, महत्वपूर्ण क्वेश्चन। आईसीसी का मुख्यालय कहाँ है? दुबई। लेकिन दोस्तों, आईसीसी की स्थापना तो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के लिए है। अब बीसीसीआई की अगर स्थापना पूछे, बीसीसीआई की, तो इसकी स्थापना कब हुई थी? 1928 में, नजर रखिएगा, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आईसीसी का मुख्यालय कहाँ है? दुबई, संयुक्त अरब अमीरात में। और इसका हेड कौन है वर्तमान में? आईसीसी का हेड वर्तमान में कौन है? ग्रेग बर्कले है, इस पर भी नज़र रखिएगा। हाल ही में आईसीसी ने क्रिकेट में तीन नियम को बदला है, याद रखिए, तीन नियम को नया नियम जोड़ा है, ठीक है। उसको जो पुराना नियम था, जैसे, और ये नियम, जैसे देखिए, हाल ही में सॉफ्ट सिग्नल को समाप्त कर दिया। तो पूछेगा आईसीसी ने हाल ही में कौन से तीन नियम को समाप्त किया, तो सॉफ्ट सिग्नल को किसने समाप्त किया? ये क्या होता है दोस्तों, सॉफ्ट सिग्नल क्या होता है? थर्ड अंपायर इसमें फैसला लेगा। देखिए, कोई ऐसा डिसीजन रहता है कि जो थर्ड अंपायर को देने में बहुत ही दिक्कत होता है, तो वह सॉफ्ट सिग्नल जो फिर ऑन फील्ड अंपायर जो डिसीजन दिया रहता है, वो डिसीजन मान्य होता था। लेकिन ऐसा नहीं है, याद रखिएगा। तो इसको क्या कर दिया, अब आईसीसी ने इसको समाप्त कर दिया, नजर रखिएगा, ठीक है। अब देखिए, क्रिकेट समिति के हेड पूछे ना, तो सौरभ गांगुली, क्रिकेट समिति के हेड पूछे। और आईसीसी अंडर 19 महिला टी20 वर्ल्ड कप कहाँ आयोजित होगा? साउथ अफ्रीका में। कहाँ होगा? साउथ अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका के घास के मैदान को बेल्ट कहते हैं, नजर रखिए। लेकिन जो आईसीसी अंडर 19 महिला टी20 जीता, किसने? भारत ने जीता, नजर रखिएगा। आईसीसी वर्ल्ड कप 2023 किसने जीता? तो आईसीसी वर्ल्ड कप 2023 पूछे ना, किसने जीता? तो भारत ने जीता, इस पे नजर रखिएगा, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ठीक है। इंडियन प्रीमियर लीग 2023 के विजेता कौन है? मुंबई इंडियंस है। अब मुंबई इंडियंस के कप्तान कौन है? हरमनप्रीत कौर थे, याद रखिएगा। आईपीएल 2023 में सबसे महंगा खिलाड़ी कौन है? इंग्लैंड का खिलाड़ी है कौन? सैम करन, इस पे नजर रखिएगा। आईसीसी वर्ल्ड कप 2011-1983 में किसने जीता? भारत ने जीता, नजर रखिएगा। और देखिए, आईसीसी की स्थापना कब हुई थी? 1909 में। और 1909 से संबंधित कौन सा प्रश्न बनते है? उसको भी देख लीजिए। जिन शब्द का प्रयोग जोहानसेन ने किया, कब किया? जिन शब्द का प्रयोग 1909 में। मार्लो मिंटो सुधार कब पारित हुआ? 1909 में मार्लो मिंटो सुधार पारित हुआ। पीएच स्केल की खोज किसने की? सोरेनसन ने किया, कब किया? 1909 में, नजर रखिए। कांग्रेस का अधिवेशन 1909 में लाहौर में हुआ था, जिस अधिवेशन का अध्यक्ष किसने किया? मदन मोहन मालवीय ने किया, याद रखें। भारतीय परिषद अधिनियम लाया गया कब? तो ये भी 1909 में भारतीय परिषद नियम लाया गया, नजर रखिएगा। अब देखिए, आईसीसी से संबंधित और उसके बाद कुछ क्रिकेट की जो ट्रॉफी है इंडिया में, जो प्रतियोगिता होता है, कौन कौन सा क्रिकेट से ट्रॉफी संबंधित है, तो याद रखिएगा। इसके लिए एक ट्रिक है, RJD CID करके आप याद कर सकते हैं। RJD या CID, जो बिहार में लालू यादव का पार्टी है, RJD या CID। आर से क्या होगा? रणजी ट्रॉफी। जे से क्या होगा? झांसी रानी ट्रॉफी। डी से क्या होगा? देवधर ट्रॉफी, याद रखिएगा। सी से क्या होगा? CK नायडू ट्रॉफी। ये सभी ट्रॉफी का संबंध किससे? क्रिकेट से। आई से क्या होगा? ईरानी ट्रॉफी। डी से क्या होगा? दिलीप ट्रॉफी। तो ये सभी ट्रॉफी जो भी है, RJD और CID अगर याद कर लेंगे, तो 6 ट्रॉफी आपको अच्छे से याद हो जाएगा, जो आपके एग्जाम में पूछता है। इसी तरह फुटबॉल में भी है, संतोष ट्रॉफी का संबंध किससे? फुटबॉल से, याद रखे। लेकिन पहले क्रिकेट की चर्चा हो रही है, तो RJD और CID। आर से क्या होगा? रणजी ट्रॉफी का संबंध क्रिकेट से। और RJD। जे से क्या होगा? झांसी रानी ट्रॉफी का संबंध किससे? क्रिकेट से। डी से क्या होगा? देवधर ट्रॉफी का संबंध क्रिकेट से। और सी से CK नायडू ट्रॉफी का संबंध किससे है? आई से ईरानी ट्रॉफी का संबंध किससे? क्रिकेट से। और डी से दिलीप ट्रॉफी का संबंध क्रिकेट से, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आवे तो आप लाइक कर देना और शेयर भी कर देना। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को भी दबा दीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। ये सभी क्वेश्चन को आप अच्छे से ध्यान में रखिएगा, ठीक है।